बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है, पैसे की स्थिति बेहतर होगी, संपत्ति का लाभ भी आपको होगा और सेहत की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। भगवान कृष्ण को अगर आप पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, बेवजह की चिंताओं से बचना है आपको, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए, जीवन साथी का सहयोग आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। केले का अगर आप दान कर दें किसी निर्धन व्यक्ति को तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, मानसिक तनाव आपका बहुत हद तक कम होगा, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं, रिश्तों की समस्या से इस समय आपको बचना चाहिए। भगवान कृष्ण को अगर आप तुलसी दल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कर्क राशि, कोई बड़ी समस्या, कोई बड़ी महत्वपूर्ण समस्या इस समय आपकी हल होगी, धन का लाभ होता हुआ आपको दिखाई देगा, करियर में इस समय आपके लिए बदलाव के योग बने हुए हैं। भगवान कृष्ण को अगर आप सफेद मिठाई का भोग लगाएं तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, धन लाभ के सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं, संतान के सहयोग से इस समय आपको लाभ होगा। भगवान कृष्ण की अगर आप कपूर से आरती करें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, परिवार में समस्याएं हो सकती हैं, धन की हानि से आपको बचाव करना चाहिए, वाहन अगर आप सावधानी से चलाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। भगवान कृष्ण को अगर आप तुलसी दल अर्पित करें तो आपकी मुश्किलें कम होंगी, दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तुला राशि, कारोबार की स्थिति में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है, किसी भी तरह की जल्दबाजी फिलहाल मत करिएगा और किसी बड़े बुद्धिमान व्यक्ति से सलाह लेकर के चलिएगा तो आपको लाभ होगा। भगवान कृष्ण को अगर आप पंचामृत अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, काफी ज्यादा व्यस्तता आपकी दिखाई दे रही है, धन की स्थिति आपकी बेहतर रहेगी, वाणी पर अपने नियंत्रण बनाए रखें। भगवान कृष्ण को अगर आप पीले वस्त्र अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%,
यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। धनु राशि, काफी ज्यादा व्यस्तता रहेगी आपकी, करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा, कोई शुभ सूचना इस समय आपको मिल सकती है। भगवान कृष्ण को अगर आप पीले फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उससे ज्यादा ही फायदा होगा आपको। मकर राशि, काम का बोझ अभी आपको परेशान कर सकता है, काम का बोझ बढ़ा रहेगा, अनावश्यक तनाव भी आपको रह सकता है, ये संभावना बनती है। लेकिन इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको वाद विवाद से बचाव करना चाहिए। किसी निर्धन को अगर आप केले का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। कुंभ राशि, सेहत की स्थिति आपकी लगातार बेहतर होगी, जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा, छोटी यात्रा के योग आपके लिए बने हुए हैं। भगवान कृष्ण को माखन मिश्री अगर आप अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, परिवार में आपके शुभ कार्य के योग बन रहे हैं। भगवान कृष्ण को पीले फूल अगर आप अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आपका आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।